सिलेट पर शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। अब रोल पुष्पा का। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन के सभी फैंस पुष्पा 2 के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले रिलीज हुए ग्लिम्स और नए लुक ने फैंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दिए और तब से ही अल्लू अर्जुन के लेटेस्ट अपडेट के लिए काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार फिल्म के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन और फहद फासिल ये दोनों आमने सामने होंगे, जो निश्चित रूप से दर्शकों को काफी ज्यादा खुश करेंगे। सुकुमार के निर्देशक पर बनने वाले हिट फिल्म पुष्पा द राइज फिल्म में दक्षियानी के भूमिका को निभाने वाली तेलुगु अभिनेत्री अनसुया भारद्वाज ने एक बहुत ही बड़ी खुलासा किया है। पुष्पा द राइज फिल्म में अनसुया दक्षियानी के कैरेक्टर को प्ले किया था। उन्होंने बताया कि सुकुमार की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द रोल इस फिल्म की क्लाइमेक्स बहुत ही दमदार होने वाला है, जहां सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और फहद फासिल ये दोनों आमने सामने होंगे और कई चौंका देने वाली एक्शन सीक्वेंस हमें इस बार पुष्पा 2 में देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद फैंस तालियों और सीटियों से पूरे थिएटर को हिलाने वाले हैं और देश भर के साथ साथ विदेशों में भी पुष्पा का जलवा अब देखने लायक होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये मूवी रिलीज होने के बाद 700 से 800 करोड़ बॉक्स ऑफिस कमाई करके एक नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। वैसे अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।